please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मैं आपसे होम लोन के इंटरेस्ट पर जानना चाहूँगा कि आपके अनुसार क्या ठीक रहेंगे होम लोन के इंटरेस्ट, जिससे खरीदारों को दिक्कत ना आए और मार्केट में और ज़्यादा इससे उछाल आए। देखिए, होम लोन इंटरेस्ट की बात करूँ तो होम लोन इंटरेस्ट अभी लेते हैं हम, हमें कोई घर खरीदना है। अब इस टाइम पर हम आम आदमी, हमारे इंडिया में हर एक सबके पास घर नहीं है, तो हम लोग यही चाहेंगे सब लोग कि हमारा घर हो, और घर जब भी हम अफोर्ड कर सकते हैं, एक सैलरी क्लास या लोअर क्लास, जब उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बड़ा कम हो। अभी फिर भी पहले के मुकाबले 8.3 पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया है, SBI ऑफर कर रहा है, बट ये पॉसिबल जब ही है क्योंकि जब सरकार के पास भी उतना फंड आए कि उतना सब्सिडी दे सके। जितनी जल्दी, जितना ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स जो पेयर हैं वो बढ़ेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा फंड गवर्नमेंट के पास आएगा, उतने से ज़्यादा वो गवर्नमेंट को सब्सिडाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट दे सकते हैं, तभी वो पॉसिबल है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका कम से कम आए। क्योंकि बैंक जो है, बैंकिंग सेक्टर जो है, उनका तो बिजनेस यही है, अगर वो इंटरेस्ट पे जो अपना लोन देंगे उसी से उनकी इनकम है, वो अपने बैंक को सर्वाइव करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर सकता। बट कॉम्पिटिटिव मार्केट में रहने के लिए, जैसे SBI ने 8.3 पर अब आ गया है, सेम वे अगर दूसरा ऑप्शन यही है कि अगर गवर्नमेंट इसको सब्सिडाइज करे ज़्यादा से ज़्यादा, और वो जब भी पॉसिबल है जब गवर्नमेंट के पास ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पेयर आए, ज़्यादा से ज़्यादा फंड आए, ताकि एक ऐसी बॉडी बने कि हर एक बंदे को, हर एक आदमी को उसको अपना सपनों का घर मिले। तो मोटी बात इसमें ये निकल के आई है कि अगर टैक्स चोर घट जाएंगे, टैक्स पेयर बढ़ जाएंगे, तो होम लोन का इंटरेस्ट है वो कम हो जाएंगे, सरकार पे पैसा आ जाएगा। अब जब होम लोन की बात आ रही है तो अगर सिबिल की बात ना हो तो बात अधूरी रह जाएगी। कई लोग होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं, परेशान हो जाते हैं कि भाई होम लोन मुझे क्यों नहीं मिल रहा, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि उनका सिबिल स्कोर किसी वजह से ख़राब है। तो सिबिल स्कोर कैसे मेंटेन कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा विस्तार में बताइए। देखिए, बायर जाता है होम लोन लेने के लिए और वो उसको पता चलता है बाद में मेरा सिविल स्कोर ही ख़राब है, तो कहीं ना कहीं ये बायर की ही कुछ गलती होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ, एक एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न होती है AIR, गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी बॉडीज़ हैं जिनको इन्फॉर्म किया हुआ है कि जैसे बैंक है, कि अगर कोई पर्सन कोई भी पेमेंट करता है, कोई भी पहले इंटरेस्ट लिया, कोई लोन लिया है, छोटा लोन लिया है, कोई पर्सनल लोन लिया हुआ है, अब उसकी पेमेंट वो टाइम पर नहीं करता, या उसके बाद उसकी सेटलमेंट कर लेता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल 3 या 5 लाख का आपने पर्सनल लोन लिया था, अब उसकी पेमेंट आप कंटिन्यूसली उसको डिफ़ॉल्ट करे जा रहे हैं, तो क्या करता है बैंक, उसको AIR के तहत, एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न के तहत, उसको सिबिल में इन्फॉर्म कर देता है कि ये जो बायर है इसने लोन लिया था और इसने ये इंस्टॉलमेंट डिफ़ॉल्ट किए हैं। सेम वे कई बार आजकल क्रेडिट कार्ड बहुत लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्रेडिट कार्ड को यूज़ तो करते हैं बट उसका यूज़ सही तरीके से नहीं करते हैं, उनकी पेमेंट नहीं करते हैं टाइम पे, या पेमेंट करने के बाद उनको, जैसे 1 लाख की लिमिट है तो 50,000-60,000 उन्होंने यूज़ कर लिया, उसके बाद उसकी पेमेंट पूरी ही नहीं कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली बाद में क्या एक प्रोविज़न आता है कि उसको सेटलमेंट करें। अब उनको सेटलमेंट करना तो बड़ा इजी लगता है क्योंकि वो 50,000 की जगह उनको 10 या 15,000 देने हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि वो वही सेम चीज़ डिफ़ॉल्ट में चली जाती है। जब आप दोबारा लोन लेने जाते हैं, सिबिल में वो चीज़ रिफ्लेक्ट कर जाती है, तो वो उसकी टाइमली पेमेंट नहीं करने के कारण उनका सिबिल स्कोर ख़राब होता है और वो लोन लेने में दिक्कत आती है। मैं यही बोलूँगा, अगर आप कोई भी चीज़ लोन लें या कोई भी चीज़ लें, क्रेडिट कार्ड यूज़ करें, आप उसकी टाइमली पेमेंट करें ताकि आपका सिबिल स्कोर थोड़ा सा सही रहे। अब आपने सुन ली ना इनकी बात, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करें, अच्छे से इस्तेमाल करें, लेकिन उसकी पेमेंट भी वक्त पे कर दीजिएगा, नहीं तो अगली बार आपको लोन लेने में दिक्कत आ सकती है।